हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। आज मैं लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाने वाली हूँ जो येलो कलर में है। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक से मैं छोटे छोटे स्क्वेयर्स कट करने वाली हूँ। तो चलिए सीजर की हेल्प से हम स्क्वेयर्स को कट कर लेते हैं। ये एक डिज़ाइनर पोशाक होगी जो आप घर पर बहुत ही आसानी से सिल के बना सकते हैं। यहाँ पर मैं सिलाई मशीन का यूज़ कर रही हूँ और ये देखिए ये स्क्वेयर्स हमारे कट गए हैं। तो चलिए देखिए, इसे हमने फोल्ड करना है, ट्रायंगल फोल्ड और फिर एक बार और ट्रायंगल फोल्ड। इस तरह से हमारे पास ये डिज़ाइन रेडी हो जाएगा और सिलाई मशीन की हेल्प से हम इसे नीचे से सिल लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने इस तरह से नीचे सिलाई लगा ली है और इसी तरह से आप आगे भी जितने भी हमने कटिंग की हैं, ये अराउंड 15 कटिंग होगी, आप इस पर कटिंग करते रहें। इसी तरह से हम सभी पीसेस पर नीचे से सिलाई लगा लेंगे। इस ड्रेस को बनाना बहुत इजी है और जिन्हें सिलाई आती है अच्छे से, वो बहुत इजीली इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो देखिए, अगर कुछ एक्स्ट्रा निकल रहा है तो आप उसे कट कर सकते हैं और नीचे से सिलाई लगा लगा के आप अपने सारे पीसेस को रेडी कर लें। इससे हम एक बहुत ही प्यारी ड्रेस बनाने वाले हैं। और ये देखिए, ये हमने पूरी की पूरी लड़ी बना के रेडी कर ली है। इन पीसेस को सेपरेट कर लें, बिल्कुल सीजर की हेल्प से इन्हें कट करके अलग करेंगे और इसमें से हम डिज़ाइन रेडी करेंगे पोशाक के लिए। तो देखिए, ये हमने सब अलग कर लिए हैं और अब मैं आपको बताऊँगी कि इन्हें हमें किस तरह से रखना है। तो एक पीस लेना है, उसके ऊपर हमें ओवरलैप करते हुए दूसरा पीस रखना है, इसी तरह से तीसरा, और इसी तरह से हम एक पूरी की पूरी लेस रेडी करेंगे। देखिए, इस तरह से आप रखते रहें और एक सिलाई लगा दें पूरे पे और आपकी एक लेस रेडी हो जाएगी। चलिए लगा लेते हैं, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये पोशाक हैवी बनेगी और आप इसे किसी भी ओकेजन पे कान्हा जी को पहना सकते हैं, आप डेली में भी इसे पहना सकते हैं। इसमें मैं मोतियों का यूज़ भी करूँगी। और ये देखिए, इस तरह से आप ओवरलैप करते हुए सिलाई लगाते रहें और बहुत ही आसानी से आपका एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से। आई होप आपको अभी तक ये समझ आ रहा होगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एंड में भी मैं आपको पूरा बताऊंगी कि हम इसमें मोतियों से कैसे काम करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने रेडी कर ली है और इसे हम अटैच करेंगे पोशाक के साथ। तो पोशाक के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है वो इस तरह का एक हैवी क्लोथ पीस है और इसके जो डायमीटर है वो 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये हमारे 4 नंबर के कान्हा जी के लिए है। तो चलिए इसे फोल्ड कर लेते हैं और सेंटर का कट निकाल लेते हैं। जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, 8 इंचेस का जो डायमीटर होता है वो आपके 4 या 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बिल्कुल फिट आता है। देखिए, और एक सेंटर का एक और कट लगाएंगे हम इस तरह का। तो चलिए एक और कट लगा लेते हैं। अब ये हमारा बेस रेडी हो गया है। जो मैंने नीचे पेस्टिंग लगाई है वो आयरन की हेल्प से आपने देखा होगा मेरी और वीडियोस में, मैं उसे किस तरह से पेस्ट करती हूँ। और आप इसे, एक तरीका ये है कि आप इसे पीछे से सिलाई करते हुए लगा सकते हैं, तब भी ये बहुत सुंदर लगेगी। और मेरे पास ये गोल्डन लेस है तो मैं इसको पहले इसके साथ अटैच करूँगी और फिर मैं इसे ड्रेस के ऊपर लगाऊँगी, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो आपको जो भी दोनों में से ऑप्शन अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने लेस लगा दी है इसके साथ और अब मैं इसे अटैच करूँगी पोशाक के साथ। तो सिलाई मशीन की हेल्प से आप इसे प्रॉपर एक सर्कल में आप लगा दीजिए और ये आपका अच्छे से लग जाएगा जैसे मैंने लगाया है। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा लग रहा है। और अब स्लीव्स बना लेते हैं। सेम फैब्रिक से मैंने लंबी पट्टियाँ कट कर ली हैं, अराउंड 7 इंचेस ये हैं। और इन्हें फोल्ड करके देखिए इस तरह से हम लगाएंगे। पहले इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से सिलाई लगाई और सिलाई मशीन की हेल्प से बैक साइड से पेस्ट करना शुरू करेंगे आगे की तरफ। तो चलिए, ये मेरी सिलाई लग गई है और मैंने मोती भी लगा लिए हैं। अब मैं एक मोती आपको लगा के दिखाती हूँ मैंने ये किस तरह से लगाया है। ये सुई धागे की हेल्प से लगेंगे आपके मोती और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं लटकन की तरह। आपका बहुत एक सुंदर सा डिज़ाइनर पोशाक लड्डू गोपाल जी के लिए रेडी हो जाएगा। सभी मोती मैंने हाथ से ही लगाए हैं और ये ड्रेस बनने में आपको टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत इजीली आप ये ड्रेस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये हमारा मोती लग गया है
और इसी तरह से ये पूरी पोशाक रेडी है। पर मैं इसमें थोड़ा सा और मोती का काम करना चाहूँगी। जो सर्कल्स मुझे मिले हैं इस ड्रेस में, आप चाहें तो इसमें प्लेन फैब्रिक भी ले सकते हैं या रेड ले सकते हैं। ये हाफ कट मोती थे मेरे पास, तो मैं इन्हें यहाँ पर पेस्ट करूँगी। देखिए इस तरह से हम हर सर्कल में इसे लगा देंगे तो ये ड्रेस और भी सुंदर हो जाएगी। तो आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा।